हेलो फ्रेंड्स दिस इज पवन शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल और गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में एंड एंड दो स्टॉक्स विल बी बी फॉर ऑफ डे वुड वेडनेसडे मैं आपको हर रोज बताता हूं कि मार्केट में जो है दर इज नथिंग विच इज कॉल्ड हंड्रेड आपको अपने टेक्निकल्स के साथ में अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़ेगा अगर आपके स्टॉप लॉस होते हैं जो होंगे तो आपको जो है लॉस कभी भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लॉसेस वापस रिकवरी नहीं होते हैं जो बाद में आप प्रॉफिट करते हैं वो उनको इमीडिएटली कवर कर सकते हैं तो बेस्ट है अगर वो कवर नहीं कर सकते तो आपका सेटअप गलत है एक बार उसको रीडिफाइन करके फिर से जो है नए सिरे से शुरू करें और उसमें फिर से ध्यान रखें कि रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बात करेगा मार्केट डैशबोर्ड के बारे में आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है हाँ, बहुत ज्यादा थी नीचे भी इतना ही गिरा और ऊपर भी उतना ही गया और जो है उसका जो रीजन था वो था सबसे पहला रिलायंस की बड़ी मोमेंट रिलायंस ने एक इवेंट में कहा है कि वो जो है 2021 के जो मिड तक 5G जी आउट करेंगे जिसकी वजह से इमीडिएटली जो है रिलायंस का स्टॉक शूट अप किया दूसरा था पीएसयू बैंक्स पीएसयू बैंक्स जो है डिफरेंट फॉर्म में अपने जो है क्यू के थ्रू पैसा रेज कर रही है और जो है उसकी वजह से जो फाइनेंशियल में भी थोड़ा सा हमें जो है पॉजिटिव देखने को मिला अगर हम बात करें डीआईएफआई की तो फिर से जो है नेट सेलर नेट बायर रहे डीआईआई और एफआईआई। बात करें अगर मार्केट न्यूज के बारे में और जानते हैं कौन से मेजर न्यूज आज के थे तो पहला न्यूज यह था कि जो मार्केट ने आज जो है फिर से ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट जाके जो है पॉजिटिव में क्लोज किया जबकि आज जो है पूरा ग्लोब जो हमारा आ, ग्लोबल मार्केट था वो नेगेटिव था दूसरा आज का जो सेवियर था वो था लाइंस, लाइंस इंडस्ट्रीज उन्होंने एक रीसेंट इवेंट में जो मुकेश अंबानी है चेयरमैन फॉर लाइंस कि उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो 5G का रोल आउट करेंगे मिड ऑफ 2021 और उसके साथ में जो है अफोर्डेबल स्मार्टफोन भी वो लॉन्च करेंगे जो 5G जी एनेबल होंगे वो उन लोगों के लिए टारगेट किया जाएगा जो अभी 2G पे हैं और दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन देयर मोबाइल फोन्स तो उसको बेनिफिट उठा सकते हैं याद है मैंने आपको कल जेट एयरवेज को दिया था जेट एयरवेज ने आज अपना 5% का अपर सर्किट हिट कर दिया है तो अगर आज आपने मॉर्निंग में उसको लिया था तो आज ही आपको फाइव का गेन हो चुका है और अगर अभी आपने नहीं लिया तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि जेट फाइनेंशियल मार्च अप्रैल तक जो है अपनी फ्लाइट शुरू कर सकते हैं और उसकी वजह से उसने जो है स्टॉक ने राइज करना शुरू कर दिया तो आप भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए ऑटो इन्वेंट्रीज की बात करें ऑटो इन्वेंट्रीज में जो है डीलर साइड से जो प्रेशर कम होता जा रहा है ये अच्छी बात है ऑटो इंडस्ट्री के लिए पहले किसी गाड़ी के लिए आप जाते थे आप बाइक के लिए जाते थे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने जो गाड़ी पसंद किया और आप कहें कि मैं लेके जा रहा हूं आपको जो है वेटिंग टाइम दिया जाता था तो जो वेटिंग टाइम जनरली वन मंथ का था वो अब जो, जो सॉरी जो टू मंथ का था वो वन मंथ का हो गया है उसी तरह से जो टू व्हीलर्स में वेटिंग टाइम था डेज का वो फोर्टी डेज तक अब आ गया है इसीलिए कहा जाएगा कि ऑटो साइड पर भी काफी जो है प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है जापान की जीडीपी के बारे में बात करें जापान की जीडीपी जो है लास्ट क्वार्टर में ना ही फास्ट ग्रो हुआ है इनफैक्ट जो है एनुअलाइज भी बहुत स्पीड के साथ में ग्रोथ दिखाया है तो ये था हमारा न्यूज अपडेट इस वीकेंड पे मैं आपके लिए जो हम वीडियो बना रहे थे बॉलेंजर बैंड का उसी बॉलेंजर बैंड के वीडियो को मैं अब आपको इंट्राडे सेटअप के लिए लेकर आऊंगा तो मिलते हैं इस वीकेंड पे वंस अगेन लाइव सेशन में और इस बार जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे इंट्रा के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑफियर बैंड और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर इसको ज्वाइन कीजिए आपको टिप्स के लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है हम जो भी आपको जो है लेवल्स प्रोवाइड करते हैं दे आर मच मोर बेटर देन एनी ऑफ द टिप्स प्रोवाइडर और हमसे आपको जो है कोई चार्ज नहीं लेना तो हम आपको बिना किसी ग्रीड के वो टिप्स दे सकते हैं सो दैट यू कैन मेक मनी दैट्स आवर अगर हम बात करें मूविंग एवरेज के बारे में मूविंग एवरेज एज जो भी लेवल आप यहां निफ्टी का देख रहे हैं उसके जो इमीडिएट नीचे रहेगा वो उसका सपोर्ट है वहीं पे जो है हमारा बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट लेवल रहेगा वो उसका करंट सपोर्ट है अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगले लेवल पे जाके वो रुकेगा इसीलिए हम इनको आपको हर रोज दिखाते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सकें कहूंगा जैसे आई की बात थी। ये हमारा बार बार कहता हूं कि 45 मिनट का जो है अगर स्टॉक कहीं मूव ना करे यही चीज कैनरा बैंक में हुआ था और जो है यही चीज आईटीसी में भी हुआ है अगर एक स्टॉक आपने इंट्राडे के लिए बाय किया और 45 मिनट तक वो कहीं

ट्रेंड को आप फॉलो करते बात करें अगर हिंडालको की हिंडालको में ये हमारा सेल था और ये दोनों जो हैं हमारे टारगेट हिट किए ऑन द सेल साइड कंफर्टेबली एक बार भी वापस जाकर जो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश नहीं की बात करेंगे आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में मार्केट में वॉलिटी बहुत ज्यादा है तो बाय मत कीजिएगा तो देखिए उसी टाइम पे हमारा बाय इनिशिएट हुआ था सो विच मींस वी कैन इग्नोर दैट पॉइंट लेकिन अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो यहां फिर से जो है एक कंसोलिडेशन रहा और उसमें आपको जो है ऑन कॉस्ट निकलने का मौका मिल गया सो नो ट्रेड इन टाटा केमिकल्स एज वेल बात करें अगर कोटक कोटक बैंक बैंक के बारे में कोटक बैंक में देखिए जब स्टॉक लगातार यहां ट्रेड कर रहा है और कोई मूवमेंट नहीं दे रहा तो यहां पे मैंने आपसे कहा था कि ऑन कॉस्ट एग्जिट कीजिएगा उस टाइम पर जो प्राइस चल रहा था वो था एटीन और हमारा जो बाइंग था वो था एटीन तो उसमें हमने क्या किया लॉस ऑफ टू रुपीज और वन रुपीज हमने जो है बुक किया और वी एग्जिट फ्रॉम मार्केट चलिए बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से चार्ट हमने आपके लिए कल के लिए पिक किया। चार्ट रीडिंग की शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में निफ्टी ने आज एक परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है निफ्टी ने 37 सेवन पॉइंट जो है गैप ऑफ ओपन किया था मॉर्निंग में अगेंस्ट ग्लोबल मार्केट एक राइज लिया एक हाई बनाया थर्टीन फोर थर्टी फाइव का एक फॉल किया और वापस से जाके वहीं पे क्लोज किया तो अगर आप ये कहें कि अगर इसके पास में थर्टीन थ्री फिफ्टी का सपोर्ट है और थर्टीन फोर थर्टी फाइव का रेसिस्टेंस रहेगा तो कहना गलत नहीं होगा तो कल जो भी लेवल निफ्टी क्रॉस करेगा क्योंकि लगातार दो दिन से जो है निफ्टी ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है ऐसा पहले भी एक दो बार हुआ है लेकिन उसका रीजन है हमारा जो है आज का जो रिलायंस का इवेंट और पीएसयू बैंक्स का क्यूआईपी के थ्रू या वेरियस मीन के थ्रू पैसे का रेज करना तो कल अगर ये जारी रहेगा तो इस लेवल्स का ध्यान रखिएगा कि जैसे भी ये लेवल नीचे ब्रेक होगा तो निफ्टी फॉल कर सकता है लेकिन अगर 1435 के ऊपर चला गया निफ्टी तो आराम से फाइव के लेवल हमें कल ही देखने को मिलेंगे तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको कल के अपने ट्रेड को देखना है फ्राइडे को इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है तो मेजर इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन का डेटा का वेट भी कर रहे हैं तो उस चीज का भी ध्यान रखेगा कि वॉलिटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रह सकती है बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में कोई खास चेंज नहीं मिला आपको अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां कल थे कि अगर हम बात करें ऊपर की तरफ आज की जो क्लोजिंग है, टू, आ, क्या हुआ है? तो 30, 350 का हमारा रेसिस्टेंस वहीं का वहीं है क्योंकि 50 जो है आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे के में थर्टी वन फिफ्टी का जो है सपोर्ट बरकरार है इसके नीचे जो है ये एक छोटा सपोर्ट इसको सपोर्ट भी कहते हैं अदरवाइज थर्टी थाउजेंड का सपोर्ट अभी वैलिड है फॉर बैंक निफ्टी एज वेल तो जो भी लेवल अगर आपको कल ब्रेक होते हुए दिखाई दे लेवल के ब्रेक होते ही एंटर मत कीजिएगा वेट कीजिएगा पांच दस मिनट अगर कैंडल उसके नीचे ट्रेड करती है वापस जाने की कोशिश नहीं करती अगर ब्रेक किया है या फिर ऊपर गया तो वापस आने की कोशिश नहीं करती तभी आप जो है बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा अदरवाइज Sit and relax. के बारे बात करें तो हमारा पहला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील टाटा स्टील में फ्रॉम बिकॉज फ्रॉम लास्ट फोर ट्रेडिंग सेशन वो वहीं पर ट्रेड कर रहा है और बार बार आकर करने की कोशिश कर रहा है मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी स्टॉक अपने सपोर्ट को बार बार हिट करने की कोशिश करे तो स्टॉक का जो सपोर्ट वीक हो जाता है और स्टॉक तेजी के साथ गिरेगा तो वहीं अभी आप जो है यही लेवल यहां पे आप देख रहे हैं कि बार बार वो 605, 606 के आसपास आके उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा लेकिन अगर ये ट्रेड करता है वापस जो है सिक्स के अराउंड तो आप कह सकते हैं कि वापिस से जो क्योंकि ऑलमोस्ट एक राइज करने के बाद में स्टॉक का नीचे आने का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है तो अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है और दस मिनट वहां रुक जाता है तो वापस अगले जाने जो है सिक्स थर्टी फाइव के लिए वो कंटिन्यू करेगा अदरवाइज नीचे करेगा यही रीजन है कल पिक करने का अगला स्टॉक है हमारा कोल कोल इंडिया कोल इंडिया में मैंने जो जो है है रीजन जो आप वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि वैसे भी अब मार्केट धीरे धीरे जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है किसी भी दिन आ सकता है मे बी जो है एक बार थर्टीन फाइव का लेवल टच करे उसके बाद इमीडिएट शुरू हो सकता है या हो, अगर वो थर्टीन फाइव के ऊपर रुक गया तो हम 14, 5 का लेवल के लिए सोचेंगे। अभी नहीं फिलहाल हम यही मान के चले आएगा। और कोल इंडिया ने जो डार्क क्लाउड कवर बनाया ये एक होता है हमारा तो तो इंडिया को पिक करने का, अगला में देखें। अगला है हमारा PFC। PFC का एक जो अप था गैप बना हुआ था जब गैप डाउन हुआ था पीएफसी का वो गैप फिल होने के लिए पीएफसी एफ सी ट्राई करा बट हुआ नहीं और उसके पास में ये लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है तो अगर पीएफसी एफ सपोर्ट को ब्रेक कर देता है जो प्लेस किया गया है 115 के अराउंड तो अगर कल के सेशन में एफ सी ब्रेक कर देता है तो तेजी के साथ गिरेगा और हमारा जो है वन वन जीरो का लेवल इमीडिएटली अचीव हो जाएगा लेकिन अगर इसने अपने आप को होल्ड करना है तो मैं कहूंगा वन वन सेवन या वन वन एट के आसपास अगर वो रुके और बाउंस करे तो फिर वो गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है यही रीजन है पीएफसी को पिक करने का अगले स्टॉक के बारे में बात करें अगला स्टॉक है हमारा कॉनकोर कॉनकोर जो है लगातार इसी लेवल पे सपोर्ट और ले रहा है आज फिर से उसने ट्राई किया है तो कल अगर उसने फोर हंड्रेड का लेवल जो है नीचे की तरफ अगर उसने फोर हंड्रेड का लेवल ब्रेक कर दिया क्योंकि बार बार सपोर्ट का मतलब यह है कि उसको वीक भी कर सकता है लेकिन अगर उसको बाउंस बैक करना है

ट्राई नॉट टू कंटिन्यू विद दैट बिकॉज आपका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके लिए जरूरी है और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तभी मुझे पता लगेगा आपको जो है सेक्शन पसंद आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है वो आपको यूज करते हैं फॉर येफिट और एक डिस्लेमर गाइड दैट ऑल दिस आई क्रिएट फॉर यर एजुकेशन पर्पसेज इफ यू टेकिंग ए ट्रेड और माई रिकमेंडेशन डू कंसल्ट विदेशर बिफोर टेकिंग दोस्ट